What's up guys, welcome back to another video guys. So guys, आज हम लोग खेलने वाले माइनक्राफ्ट, as you can see, it's not a survival world. हम एक नया वर्ल्ड बनाएंगे और इस वर्ल्ड में मैं अपने एक स्टैचू बनाऊंगा अपने माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर का, जो मेरे को पता है बहुत हार्ड होने वाला है. स्टैचू ऑब्वियसली हम ये क्रिएटिव में बनाएंगे और क्रिएटर कर देते हैं क्रिएट. तो गाइस आप देख सकते हो मेरे को आज मैंने माइनक्राफ्ट में भी अपना वेबकैम खोला हुआ, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली पता चल गया कि मैं छोटा कैसे करते हैं. पहले मेरा बहुत बड़ा था, अब मेरा छोटा है. लोडिंग मैसेज स्पैम क्लिक क्यों कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसा ऐसा लग रहा है जैसे. तो गाइस अभी लोड हो चुका है, वो हम आ गए हैं वर्ल्ड में. रिस्पोंड कर रहे और हम फोन कह रहा है कि वो रिस्पोंड नहीं कर रहा. अभी देख लेते हैं पहले हमारा कैरेक्टर कैसा है. ओके हम गए. ये जो देख रहा नहीं हाथ, ये बनाने कितने मुश्किल हैं सबको पता. ओके तो गाइस आई डोंट थिंक आज हम वो तो कर पाएंगे, लेकिन मैं एक चीज करना चाहता हूँ. ये ट्रिक आप लोग भी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ट्रिक क्रिएटिव में ही हो. एंड रिप्टाइड का ट्राइडेंट, रिप्टाइड की बुक मतलब. अब आप लोग सोच रहे हो उससे क्या स्पेशल है, ट्राइडेंट में रिप्टाइड लगा होगा तो वो आप बारिश में उड़ोगे, पानी में उड़ोगे, आप क्या स्पेशल है. जस्ट वेट एंड वॉच. अभी हम ले लेते हैं, सॉरी है, लेकिन वीडियो को हमें पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक स्पेशल चीज़ ले रहा हूँ, तो इसे एक मिनट गाइस. तो गाइस हम आ चुके हैं, हमारे पास आप देख सकते हो स्पॉन फैंटम आ गया. लेट्स गो टू चैट टाइप स्लैश. और गाइस अब मेरे को ऐसी कमांड्स बहुत कर दी आ गई हैं. वेदर रेन ड्यूरेशन इन इट ना, ड्यूरेशन में छोड़ो हम ऐसी वेदर रेन. Now see this. अब आप लोग बोर हो गए, इन बोर करने वालों का और पकाने वालों का हमारे कूल से ट्राइडेंट से क्या है. अभी आपने सोचा कि हम इन्हें भी अपने ट्राइडेंट से डैमेज कर सकते हैं. एक मिनट गाइज में अभी आया. तो गाइज मैंने अभी थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा बंद कर दिया है क्योंकि उसकी बैटरी थोड़ी डाउन थी, इसलिए हमें बिना उसके ही करना पड़ेगा. लेकिन इन्हें मारना बिना बड़ा मुश्किल है ऐसे, मतलब आप इन पे पहुंच ही नहीं पाते हो. लेकिन मैंने बहुत बार ट्राई किया, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. हम इन्हें कर तो सकते हैं. मारूंगा मैं तुम्हें फैंटम. टॉप पे चलो जहाँ पे स्नो हो रही हो, वहाँ से आकर इन्हें मारेंगे. लगा ये बहुत हार्ड है गाइस, लेकिन वंस यू प्रैक्टिस इट आप इसमें प्रो बन जाते हैं. तो चलो फिर अभी हम चैट में जाते हैं. वेदर क्लियर, देयर वी गो. देखो गाइस हम अभी भी उड़ पाएंगे या नहीं, देखते हैं. नहीं उड़ पाएंगे.
गुड टू नो कि यूज राइडन में कर रहा था। और अभी हम करने वाले हैं एंडर पल। तो गाइस चलो फिर अभी एंडर पल ले लेते हैं। एंडर पल अब आप बोल रहे होगे किस टाइप का, अभी दिखाता हूँ। और ये करना बहुत मुश्किल है। ओ हमारा स्पॉन कितना अच्छा है, विलेज है साथ में, उस विलेज के ऊपर हम टेलीपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखा आई मीन हाँ थोड़ी सी चीटिंग की मैंने, लेकिन फिर भी चलता है। और इसमें मज़ा भी तो आता है ना, मैं कभी कभी तो वॉल के भी अंदर आप जा सकते हो अगर आपका ठीक हो लक, जो कि मेरा इतनी बार नहीं होता। मेरे को ये फार्म का डिज़ाइन अच्छा लगता है, लेकिन अलग टाइप के फार्म बनाते हैं ऐसे विलेजेस। वो रहा कैंप फायर, तो हम वहीं पे चलेंगे। धुआं खाएंगे, किसी और अंदर मीट आ जाए ना बा, काम करते हैं घर के अंदर चलता। ये क्या था, चल बुढ़ हट जा, किसका घर है ये क्या है, स्मोकर। ओके ये रहा हमारा छोटा सा ट्रैप डोर कमरा। आगे चलो, यहाँ पर बान है जिनकी सीट, सॉरी काओ बाय। मैं इस वेल को तब भाग करने वाला हूँ गाइस, बस आप लोग देखते जाओ। अब आप बोल रहे होगे तब भाग कैसे, ऐसे सबको पता है कि मेरे को टीएनटी बहुत ज़्यादा पसंद है। नहीं पता तो आपको पता आ देता हूँ कि अगर आपने मेरा ज्योग्राफी वीडियो नहीं देखा तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं हूँ टीएनटी का गॉड। तो अभी फ्लिंट एंड स्टील, सॉरी विलेजर्स की तो आज हम तुम्हारे मुंह फोड़ने वाले हैं टीएनटी से, तुम्हारे सारे क्रॉप्स बेबी लाइब्रेरियन आयरन गोलम कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। लेट्स गो, घंटी बजा देते हैं ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि इनकी शामत आई है। चलो भागो सब अपने घर के अंदर, मैं घर के ऊपर भी टीएनटी लगाऊंगा, हर जगह टीएनटी लगाऊंगा, इस विलेज का मुंह फोड़ूंगा। जस्ट गॉट अ लाइट, थोड़ी सी फायर भी ठीक है, करो इन सबको फिनिश। मैं इतने यहाँ पे हूँ, ओ मोटर पड़ल इस घोड़े को है ना पड़ी हो रहे, तो अब सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि हम टीएनटी बना रहे हैं। मर गए घोड़िया जी, वाह देखो अभी वहाँ पे चलते हैं क्योंकि वहाँ पे ओ वहाँ पे फॉरेस्ट फायर ऑलरेडी स्टार्टेड है। लावा मेरा सच्चा दोस्त है, सर्वाइवल में नहीं लेकिन खेती में, मैं तेरी मदद करूँगा लावा, तेरे भाइयों को बुला के। आप लोगों को भी पता अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, लावा बकेट ले लावा, मैं तेरे रिश्तेदारों को ले आया भाई, सब कुछ जलेगा अब तो सब कुछ। विलेज के अंदर भी थोड़ा लावा डाल देते हैं गाइस, लेट्स गो। एरन बोले थोड़ा थोड़ा लावा चाहिए,
ओके तो आयरन गोलम का तो सोल्यूशन हो गया, बस मैं स्पैम क्लिक कर रहा हूँ लावा हर जगह हो ताकि अभी धीरे धीरे पूरा लावा नदी होगा गाइस। लेकिन गाइस आई गेस दैट इज फॉर टुडे। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि फ्री फायर मैक्स कब का आ चुका और मैं उसका भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, पीस आउट, बाय।